ढोलक, ओ ढोलक ढोलक, मैंने सुना है कि ये जो तुम्हारे पास में भैया खड़े हुए उनको तुमसे डर लगता है। भैया आपको ढोलक से डर लगता है? नहीं लगता, अभी एक मिनट पहले बोले थे लगता है, लगता है। तो सुनो आप, डॉग्स जो हैं पूरे देश के अंदर हर जगह बैठे हुए हैं, तो आप हर जगह जाओगे, हर गली में आपको डर लगेगा। तो फिर कैसे अपने डर को दूर करोगे? क्या आप डरपोक भारतीय बन के जीना चाहते हो? हाँ, तो फिर आज मैं आपकी ढोलक से दोस्ती करवा के रखती हूँ, ठीक है? मंजूर है? ठीक है। इधर आओ, यहाँ बैठो, इसके पास बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। देखो, बोलो ढोलक, बोलो पहले। हाँ बोलो ढोलक, कैसी हो? पूछो पूछो, इंसान से जैसे बात करते हो, पूछो ढोलक कैसी हो? ये बाकी डॉग्स ना बहुत अच्छे हैं। ऐसे नहीं है, इंसान का जैसा व्यवहार रहता है वैसे डॉग का रहता है। अभी आपने उससे बैठ करके प्यार से दो मिनट बोला ढोलक, तो इसका भी व्यवहार अच्छा है। अब यदि आप बोलोगे मेरे को डर लगता है, तो इसको भी आपसे डर लगेगा। बोलो अब एक बार ढोलक। नहीं नहीं, ये अरे तो ढोलक बोलने में क्या, एक बार ढोलक बोलने में क्या जा रहा है? बोलो बोलो ढोलक, बोल तो रहा हूँ ना, जोर से बोलो ढोलक। हाँ और बोलो, देखो पूछ ली ना, पूछ ली, पूछ हिलने का मतलब क्या है, क्या है बताओ, पता है? पूछ हिलने का मतलब होता है कि उसको आपसे दोस्ती करनी है। और जब यदि डॉग दोनों पाँव ऐसे आगे करते हैं, ऐसे ऐसे करके दोनों पाँव आगे करते हैं, उसका मतलब होता है वो आपको बोल रहे हैं आई लव यू। तो अगली बार आप आए और ढोलक दोनों पाँव ऐसे करके स्ट्रेच करे, इसका मतलब होता है आई लव यू। सीखे? हाँ समझ गए ढोलक, तुमका एक नया दोस्त बना। क्या नाम है भैया आपका? संदीप। ढोलक ये संदीप है और संदीप ये ढोलक है।